अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं असद शेख और आप देख रहे हैं मदनी ज़िंदगी चैनल। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं वजू करने का तरीका। वजू में कौन सी चीज़ फ़र्ज है और कौन सी सुन्नत, कौन सी चीज़ वाजिब है और कौन सी मुस्तहब, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे वजू मकरूह हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को एक भी सेकेंड काटना नहीं है, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, तभी आप वजू करने का सही तरीका समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजू के फ़राइज यानी वजू में कौन कौन सी चीज़ फ़र्ज हैं। एक बार अच्छी तरह से हर अंग को धोना, पूरा चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, टखनों समेत दोनों पांव धोना, चौथाई सर का मसा करना। वजू के वाजिबात। वजू में कौन कौन सी चीज़ वाजिब हैं। वजू बनाते समय उंगली में अंगूठी या छल्ला अगर तंग हो यानी कसा हो तो छल्ले या अंगूठी को घुमाना ताकि पानी उसके नीचे तक पहुँच जाए। वजू की सुन्नतें। नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, तीन बार दोनों हाथ गट्टों तक धोना, तीन बार कुल्ली करना, तीन बार नाक में पानी डालना, सर का मसा करना, दाढ़ी में खिलाल करना ताकि कोई बाल सूखा ना रह जाए, उंगलियों का खिलाल करना, कानों का मसा करना, हर अंग को तीन बार धोना, धोते वक्त हाथ से मलना, तरतीब से वजू करना, लगातार करना यानी धोने में इतनी देर ना करना कि जो अंग पहले धो लिया जा चुका है वह सूख जाए। मुस्तहब। वजू में कौन सी चीज़ मुस्तहब है। दाएं जानिब से शुरू करना, गर्दन पर मसह करना, नमाज के वक्त से पहले वजू करना, किबले की तरफ रुक करके बैठना, पाक व ऊंची जगह पर बैठकर वजू करना, दूसरों की मदद के बगैर खुद वजू करना। मकरूह। कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जिससे वजू मकरूह हो जाता है। वजू करते वक्त दुनिया की बातें करना, ज़्यादा पानी बहाना, नापाक जगह पर वजू करना, सीधे हाथ से नाक साफ करना, सुन्नत के खिलाफ वजू करना, हर अंग को तीन बार से ज़्यादा धोना, वजू करते वक्त दुनिया की बातें बिल्कुल ना करना, ज़्यादा बेफालतू पानी ना बहाना, ऊंची व साफ जगह वजू करना, उल्टे हाथ से नाक साफ करना, सुन्नत तरीके से वजू करना, हर अंग को तीन बार धोना। ऐसा करने से आपका वजू मकरूह नहीं होगा। अगर सुन्नत के खिलाफ वजू करोगे तो आपका वजू नहीं होगा। अगर वजू ही सही तरीके से नहीं होगा तो नमाज कैसी होगी। मुसलमानों, वजू सुन्नत तरीके से बनाइए जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बनाते थे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नबी और सहाबा किराम जैसा वजू करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने हमारा चैनल मदनी ज़िंदगी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाएँ बेल आइकन को ताकि सबसे पहले वीडियो पा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं की गुजारिश में हूँ असद शेख। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।